कि आज करीबन 18 महीने से पूरे गोवा में 80,000 माइनिंग वर्कर्स जॉबलेस है। इनका घर बार में एक रुपया नहीं आ रहा है। इनके बच्चों को स्कूल से निकाला गया, स्कूल में जो पास आउट है उनको कॉलेज में दाखिला नहीं लिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। 2014 में जब लोगों ने मोदी सरकार को चुना, उसको सीता जी के पति के लिए चुना गया, मगर आज वो काम नीता जी के पति के लिए कर रहे। हम उनका निषेध करते हैं। और उसी तरह आपके जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं, उनका आजकल तबीयत ठीक नहीं है। मैं परवरदिगार से प्रार्थना करता हूं कि उनका जो तबीयत हो ठीक रहे और बहुत जल्द गोवा का भी तबीयत ठीक करे वो। और उनका ध्यान ये 60,000 जो वर्कर्स है जो आज यहीं पे पंजिम में नहीं पूरे गोवा में 5 जगह पे वो आज अनशन पे बैठे हुए, उनके ऊपर होना चाहिए। मगर मुझे ये बताया गया कल उन्होंने इतना बड़ा इम्पोर्टेंट इशू को छोड़ के सिर्फ 6 जो कैसीनो के मालिक है उनका जो एग्रीमेंट है रिन्यू का वो उन्होंने कल साइन किया हुआ है, 6 महीने का एक्सटेंशन दिया है। मैं इस बात का निषेध करता हूँ। हमें कोई आपत्ति नहीं है कि मुकेश अंबानी कितना पैसा बना रहा है या अदानी कितना बना रहा है। हमें ये फिक्र है कि ये जो हमारे माइनिंग के वर्कर्स है इनका घर चलना चाहिए। इन आप लोगों के माध्यम से आज इस सरकार को, गोवा सरकार को अल्टीमेटम देता हूँ कि अगर 1 महीने के अंदर आप माइनिंग इंडस्ट्री शुरू नहीं करते तो ये वर्कर जो है ये एग्रेसिव हो गए। बहुत शांति से ये लोग 2 महीने से यहाँ पे बैठे हैं सपोर्ट पे। आज हम लोग यहाँ पे कांग्रेस सेवादल की तरफ से बैठे हैं और 5 तारीख को करीबन 1,000 लोग वापस ये पंजिम में आज़ाद मैदान में अनशन करेंगे इस सरकार के खिलाफ। और मेरा ये गोवा सरकार से, कलेक्टर से ये मांग है कि 18 महीने तक जो इनको मतलब इनका जॉब चला गया, इनको उसका कॉम्पनसेशन आप दीजिए और इनको इनका जो जॉब है वो उनको वापस मिलना चाहिए। इसलिए माइनिंग इंडस्ट्री को आपको शुरू करना पड़ेगा गोवा। वीडियो जर्नलिस्ट अल्फ्रेड फर्नांडिस फ्रॉम पंजिम फॉर HCN।